हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में म्यूज़िक प्लेयर के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो चालू कर दिया है। सो एज यू कैन सी, आपको एक वाइट कलर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो पहली बार स्टार्ट किया है तो आपको ये साइड में म्यूजिक करके जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने पहले क्रिएट कर लिया है। सो सिंपली आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जब आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तब वहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ के ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। इस प्रोजेक्ट में हम एम्प्टी एक्टिविटी का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस समय हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम अपने हिसाब से ऐड और रिमूव करने वाले हैं। सो जस्ट सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। सो जैसे ही आप एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर जाते हो, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे सबसे पहले चीज़ है एप्लीकेशन का नाम, या बाय डिफ़ॉल्ट माय एप्लीकेशन रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर रख रहा हूँ क्योंकि हम म्यूज़िक प्लेयर बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। एंड उसके नीचे जो सेकेंड थिंग है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है पैकेज नेम। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हर एप्लीकेशन का पैकेज नेम अलग होता है, मीन्स आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन सबका पैकेज नेम अलग अलग है। सो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने नाम का यूज़ करो, हर्ष राज पुरोहित एंड म्यूज़िक प्लेयर। सो अगर आप चाहो तो आप पैकेज नेम कुछ भी रख सकते हो, और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या पैकेज नेम रखना चाहिए तो आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो एक बार रखने के बाद। सो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे जो थर्ड ऑप्शन है वो है सेव लोकेशन का। सो लोकेशन जैसे कि नाम बता रहा है, ये डिसाइड करता है कि आपके एंड्रॉयड स्टूडियो की लोकेशन कौन सी होगी, मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट स्टोर किया जाएगा ये म्यूज़िक प्लेयर उसकी लोकेशन कौन सी है। अगर आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। उसके बाद आप लैंग्वेज कॉटलिन या जावा, इन दोनों से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स में हम कॉटलिन का यूज़ करेंगे। मिनिमम SDK करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें API लेवल 21, एंड्रॉयड 5.0 एंड लॉलीपॉप करके कुछ सिलेक्टेड है। अब मैंने ये क्यों यूज़ किया है, इसके पीछे रीज़न है, जब API लेवल 21 होता है तो आपको मटेरियल कलर्स एंड थीम्स का यूज़ करने का चांसेस मिलता है, और आप देख सकते हो कि ये 93.4% डिवाइसेस पे अवेलेबल है। जितने भी प्ले स्टोर पे डिवाइसेस हैं 93% डिवाइसेस पे API लेवल 21 सपोर्टेड है। अगर आप इससे थोड़ा कम करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि नियरली 99 या 100% डिवाइसेस सपोर्टेड है, जैसे कि API लेवल 16 पे 99% डिवाइसेस सपोर्टेड है। सो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 5.0 ही रखने वाला हूँ, डैट इज़ API 21। अब नीचे यूज़ लेगेसी सपोर्ट, इसे फ़िलहाल के लिए रहने तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश द प्रोजेक्ट। सो जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो मैं आपको रिकमेंडेट करूँगा कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखो, जिससे एंड्रॉयड स्टूडियो अपनी नेसेसरी फाइल्स जो उसे बिल्ड करने के लिए ज़रूरत है उन्हें डाउनलोड कर ले। सो मैं यहाँ अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार के लिए ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेन एक्टिविटी करके कुछ लोड हुआ है, एंड उसके बाजू में एक्टिविटी main.xml भी है। तो अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो फिलहाल आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नीचे देख सकते हो डाउनलोड ग्रेडल मीन्स समथिंग कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो वो जब तक डाउनलोड करता है तब तक मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, और जैसे ही डाउनलोड होगा मैं इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्ड हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। ये एक ऑप्शनल वीडियो होगा, अगर आप चाहो तो वो सेटिंग्स कर सकते हो, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं वो सेटिंग्स करने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।